अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 59। आज के इस लेसन में हम लेडर के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे लेडर को ऐड कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे, अलाइन लेडर, कोलेक्ट लेडर, मल्टी लेडर एंड मॉडिफाई मल्टी लेडर स्टाइल। तो हमने लेडर के ऊपर डिस्कस किया भी था प्रीवियस लेसन में और काफ़ी पहले हमने किया था, इस पर डिस्कस किया था और सिर्फ वो लेडर को ऐड करना हमने देखा था। लेडर के ऊपर मॉडिफिकेशन, रिमूव कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, कोलेक्ट मल्टी लेडर फंक्शन क्या है और मॉडिफाई मल्टी लेडर के क्या फंक्शन है, इसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया था। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपके ऑटोकैड 2015 में न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करना मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर भी डिस्कस कर लूँ। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया तो लेडर का फंक्शन तो आपको मैंने बताया था, तो दोबारा बताता हूँ आपको लेडर का फंक्शन के लेडर का फंक्शन क्या होता है। तो लेडर का फंक्शन ये होता है कि आप यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल, मैंने एक एरिया है मेरे पास, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मेरे पास एक एरिया है। अब इस एरिया में मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल आ गया, एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और एक यहाँ पे मैं होम में जाके और मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट F8 प्रेस करता हूँ, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे एक आर्क। अब इन सब के सबको मैं एक नाम देना चाह रहा हूँ, डिनोट करना चाह रहा हूँ किसी नाम से, किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए मैं लेडर यूज़ करूँगा और लेडर आपको यहाँ पे एनिमेशन पे भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेडर या एड लेडर, रिमूव लेडर, अलाइन एंड कलेक्ट। तो मैं पहले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस बार में और फिर आपको यही चीज़ें आपको एनिवर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको लेडर के ऊपर डिस्कस में आपको मल्टी लेडर, रिमूव लेडर और कलेक्ट्स एंड ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होंगी। और उसके अलावा आपने यहाँ पे इस बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो मल्टी लेडर स्टाइल भी है, तो इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं लीडर के ऊपर काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं होम में क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लीडर के ऊपर डिस्कस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और फर्स्ट में इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और सेकंड पॉइंट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ सर्कल, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया। और अब नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे ये सर्कल आ गया। यहाँ पे इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें तो डबल क्लिक करें और यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1 4 इंच साइज देता हूँ इसको। मैं एंटर करूँगा तो देखें 4 इंच मेरे पास साइज आ गया, लेकिन 4 इंच बहुत ज़्यादा साइज है तो मैं इसको साइज देता हूँ 2 इंच, या फिर मैं इसको साइज देता हूँ 1 इंच। ओके, 1 इंच सही है साइज। और इसको बोल्ड करना है, अटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है सर्कल। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एक और मैं लेडर को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऐड करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और क्लिक करूँगा तो मेरे पास लेडर यहाँ पे, देखें एक बार फिर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहीं से स्टार्ट होगा लेडर जिस पॉइंट से मैं इसको देना चाह रहा हूँ। क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको नाम देता हूँ बिग सर्कल। अब इसका भी साइज छोटा है तो इसका भी साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे 1 इंच कर दें, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड 1 इंच। ओके सॉरी, बिग नाम देता हूँ इसको खाली में। ओके, अब मैं यहाँ पे लेडर को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं लास्ट पॉइंट जो होगा वहीं से ये ऐड होगा, उसका जो जॉइंट होगा जहाँ से आपने इसको कर्व किया है, मोड़ा है जहाँ से, तो वहाँ से आप लेडर को एक और स्टाइल दे सकते हो। तो उसके लिए आप ऐड लेडर में यहाँ पर आप जाएंगे और लेडर पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेंगे ऐड लेडर। ऐड लेडर पर जो ही आप क्लिक करेंगे अपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, जिस ऑब्जेक्ट को देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें उस कॉर्नर से जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आप देखें जो इसका पॉइंट है यहाँ पे कॉर्नर है,
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और लेडर आ गया, तो अब जहाँ जहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये वहाँ पे उस कॉर्नर से ऐड करता जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ कॉर्नर हो गया वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं लेडर। और उसके अलावा मैं फिर यहाँ पे अगर मैं रिमूव करना चाहूँ एडर को, तो रिमूव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एडर रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एडर को इसको भी ऐड करता हूँ, तीन चार एडर मैं लेडर को मैं ऐड करता हूँ। तो उसके लिए मैं सर्कल के बिग यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज का भी बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर दूँ ताकि मुझे आसानी से नज़र आए, और मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ 1 इंच। ओके नेक्स्ट मैं यहाँ से और भी इसको ऐड, और भी लेडर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। और अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ जी, रिमूव लेडर पे क्लिक करूँगा, जिस लेडर को रिमूव करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखें वो क्लिक करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो देखिएगा वो रिमूव हो जाएगा। सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, देखें लेडर क्या हो गया, मेरे पास रिमूव हो गया, देख सकते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन लेडर क्या हो गया, रिमूव हो गया। और आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर फॉर एग्जांपल अलाइन करना है, इन दोनों लेडर्स को अलाइन करना है, तो अलाइन पे क्लिक करें। अब इस लेडर और इस लेडर दोनों को मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ, अलाइन किया और एंटर करता हूँ मैं। अब आपसे ऑप्शन दे कह रहा है कि सिलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन, और क्या क्या यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, ऑप्शन में जाएं। तो मैं इन दोनों लीडर को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो मैं इनको अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। चलिए ऑप्शन में जाके देखता हूँ क्या ऑप्शन दे रहे हैं। ओ एंटर कह रहा है यूज करंट स्पेसिंग, स्पेसिफाई स्पेसिंग, या मेक लीडर सेगमेंट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफाई स्पेसिंग देना चाह रहा हूँ, तो स्पेसिफाई स्पेसिंग के लिए मैं एस प्रेस करता हूँ। देखें आपको यहाँ पे बता रहे हैं स्पेसिफाई स्पेसिंग के लिए आपने एस प्रेस करना है, एस एंटर। कितना स्पेसिंग होना, दोनों में कितना स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस में यहाँ पे देता हूँ 0.3 इंच में स्पेस होना चाहिए। काम क्यों नहीं कर रहा, एंटर। यूज करंट स्पेसिंग करता हूँ, ये पता नहीं क्या फंक्शन, क्या ये एरर दे रहे। दोबारा मैं देता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अलाइन एंटर और सिलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन के लिए ऑप्शन ओ एंटर, स्पेसिफाई स्पेसिंग, मेक लीडर सेगमेंट पैरेलल। डिस्ट्रीब्यूट के लिए डी एंटर करता हूँ। अच्छा यहाँ से इसको मैं करता हूँ जी, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ 1 इंच के फासले पे। अब देखें यहाँ पे जो ही 1 इंच के फासले मैंने किया, देखें ये हमारे पास एक एरर, यहाँ पे देखें आपके पास एक स्पेस आया है। सेकेंड स्पेस को भी मैं करता हूँ जी 1 इंच के फासले पे, तो अब देखिए 1 इंच की और 1 इंच के फासले पे वापस ये क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, देख सकते हैं। ज़्यादा आपने अगर देना है तो ज़्यादा के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा लेडर पे क्लिक करें और अलाइन पे क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ और स्पेस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट आप क्लिक करेंगे वो भी फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ये एक फर्स्ट पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं ये वाला रख देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसको स्टाइल दे दिया,
तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है कलेक्ट का फंक्शन है, कलेक्ट के लिए दोनों को सिलेक्ट करें, इसमें भी वही ऑप्शंस यूज होते हैं। यहाँ से उसके लिए आई थिंक ज़्यादा लेडर्स रिक्वायर होने चाहिए, तो ये कुछ यहाँ पे एरर दे रहे हैं। चलिए इनके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये था लेडर और लेडर के ऊपर फंक्शन के आपने इसमें किस तरह काम करना है, और यही काम आप यहाँ पे जाएँ अगर पैरामेट्रिक्स एनवेयर्स पे क्लिक करें तो इसमें भी वही लीडर है, एक मल्टी लीडर का ऑप्शन है, तो मल्टी लीडर का फंक्शन ही होता है कि आप एक ही लीडर को बार बार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मल्टी लीडर का फंक्शन में क्लिक करता हूँ, मैंने पहले एक यहाँ पे लीडर दे दिया और इसको मैं तो सर्कल, ओके एंटर, दोबारा स्पेस प्रेस करता हूँ, दोबारा भी दूसरे को भी दे सकता हूँ, एकदम से बिग सर्कल, ओके राइट एंटर करता हूँ और स्पेस प्रेस करके फिर तीसरे को भी दे सकता हूँ, चौथे को भी दे सकता हूँ। तो आप यहाँ से मल्टी एडर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्लिक करें बस माउस से क्लिक करें और ये देखें मल्टी लीडर में सबको मैंने एक लीडर दे दिया, डेमी टेक्स लिखा है मैंने। रिमूव लेडर पे क्लिक करें तो रिमूव हो जाएगा, जो जो आपने लेडर रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी वही कलेक्ट्स और अलाइन का भी फंक्शन वही है। अब इसके बाद है लेडर, लेडर का अपने स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल चेंज करने के लिए मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, आप लाइन टाइप चेंज करना चाहते हैं लेडर की तो आप यहाँ पे लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, बैटिंग मैंने कर दी, लाइन वेट चेंज करना चाह रहे थे लाइन वेट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आपको देखें प्रीव्यू में ये बता भी रहा है, कलर चेंज करना चाह रहे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके अब ओके करें, यहाँ पे सेट करें, क्लोज करें, यहाँ पे देखें लेडर का स्टाइल भी चेंज हो गया, लाइन का कलर भी चेंज हो गया, देख सकते हैं नॉर्मल वही कलर लाना चाह रहे हैं तो क्लिक करें इस बटन पे, और यहाँ से आप दोबारा मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इसको बाय लेयर कर दें, लाइन जो है स्ट्रेट होनी चाहिए इसको बाय लेयर कर दें, लाइन विड्थ को भी बाय लेयर कर दें, और आप ओके करें, सेट करें एंड क्लोज करें, तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। तो ये था जी आपके पास लेडर और इसका फंक्शन, और उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इसको हमेशा आप एक पॉइंट में रखें जो कि क्या है जी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हमेशा इसको रखें ताकि यहाँ से मूव ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।